जाकिर नाइक को मलेशिया सरकार ने भेजा नोटिस, की जाएगी पूछताछ। मलेशिया सरकार ने इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल पिछले 3 साल से मलेशिया में रह रहे नाइक के नफरत फैलाने वाले भाषण से मलेशियाई सरकार नाराज है। मलेशिया के गृह मंत्री मोहिद्दीन यासीन ने बताया कि पुलिस नाइक और कुछ और लोगों से इस संबंध में पूछताछ करेगी। उन पर लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए झूठी खबरें प्रचारित करने का आरोप है। डोनाल्ड ट्रंप की सलाह पर इसराइल ने यूएस की 2 महिला सांसदों की एंट्री पर लगाया बैन। इसराइल ने अमेरिका की 2 महिला सांसदों की देश में एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसराइल ने यह फैसला दोनों मुस्लिम महिला सांसदों की एक फिलिस्तीनी के नेतृत्व वाले आंदोलन के समर्थन के लिए यात्रा से पहले लिया है। दिलचस्प ये है कि इन सांसदों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट कर कहा था कि इन्हें एंट्री देना बड़ी कमजोरी होगी। दोनों डेमोक्रेट पार्टी की सांसद हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पहलू खान मामले में सभी आरोपी भरी प्रियंका बोली कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला। पहलू खान केस में कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हैरानी जताई है। प्रियंका ने कहा कि पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। अशोक गहलोत की सरकार की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार के भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 370 वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कश्मीर में लैंडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट बहाल करने और पत्रकारों को आने जाने पर रोक टोक न करने की मांग वाली कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को हालात सामान्य बनाने का मौका मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगाई पाबंदियां हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन स्थिति में सुधार हो रहा है, पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति और पीएम समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। देश के कई बड़े नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नई दिल्ली में उनके स्मृति स्मारक सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत काफी लंबे समय से खराब थी। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस बनाए जाने का किया ऐलान। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत रेस में सबसे आगे। भारत को आखिरकार एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलने वाला है, जिस पर फैसला 1999 के कारगिल युद्ध से लटका हुआ था। सीडीएस सरकार को सिंगल पॉइंट मिलिट्री सलाह देगा और जल, थल और वायु सेना के बीच समन्वय बैठाने का काम करेगा। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से ये ऐलान करने के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत इस रेस में सबसे आगे हैं। दिल्ली मेट्रो में तैनात सीआईएसएफ की टीम ने लौटाए शख्स के 1 लाख रुपए। दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की मेट्रो टीम ने 1 लाख रुपए से भरा बैग उसके मालिक को लौटा दिया। सीआईएसएफ के प्रवक्ता सहायक महानिरीक्षक हेमेंद्र सिंह ने बताया कि 14 अगस्त दोपहर बाद शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग जवानों को लावारिस हालत में स्कैनर में मिला था। सुरक्षा जांच की कड़ी में उन्होंने जब बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर 1 लाख रुपए नकद और अन्य जरूरी कागजात थे, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखने से बैग के असली मालिक का पता चला और सीआईएसएफ के कर्मियों ने कुछ घंटों की मेहनत के बाद बैग के मालिक प्रवीण झा को पैसे लौटा दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण की तारीफ की है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा छोटा परिवार, देशभक्ति का कर्तव्य, वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक जैसी घोषणाओं का सभी को स्वागत करना चाहिए। आमतौर पर पी चिदम्बरम पीएम मोदी और उनकी सरकार के बड़े आलोचकों के तौर पर जाने जाते हैं। कार हादसे के बाद सांसद रूपा गांगुली का बेटा हिरासत में, पीएम मोदी को किया ट्वीट।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश मुखर्जी को हिरासत में लिया गया है। आकाश मुखर्जी को पुलिस ने हिरासत में कार दुर्घटना के बाद लिया। आकाश पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। 21 साल के आकाश पर आईपीसी की धारा 427 धारा 279 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस हादसे के बाद रूपा गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात को आकाश की कार दीवार से टकरा गई। इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। यह हादसा सांसद रूपा गांगुली के घर के पास ही हुआ। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल हुई रिलीज, पहले ही दिन की जबरदस्त कमाई। बॉलीवुड के दिग्गज अक्षय कुमार, विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म मिशन मंगल रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म ने पहले ही दिन सिनेमा हॉल में खूब धमाल मचाया। 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल ने अक्षय कुमार की बाकी फिल्म्स के रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार ओपनिंग की है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक मिशन मंगल ने पहले दिन दमदार प्रदर्शन करते हुए 27 से 28 करोड़ रुपए कमाए हैं। इससे पहले भी अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म गोल्ड के जरिए 15 अगस्त पर धमाका किया था, लेकिन मिशन मंगल ने ओपनिंग के मामले में गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्याय भारत। प्ले स्टोर पर सर्च करें न्याय भारत, इंस्टॉल करें हमारा ऐप, क्लिक करें अपलोड माय वीडियो पर, मेंशन करें अपनी डिटेल्स, अपलोड करें अपनी फोटो और शूट की हुई वीडियो जो बन सके हमारी खबर का हिस्सा। अगर आपकी वीडियो होगी हमारे नियमों के अनुसार तो आपको मिलेगी 100 से 500 रुपए तक की धनराशि।